अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं 14 अगस्त के फंक्शन में, और आज हमें पाकिस्तान कम्युनिटी की तरफ से इनविटेशन था, तो उश्कुदार वेलद सुल्तान शिप में अभी हम मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि ये शिप अभी रवान दवा हो चुकी है, और तमाम पाकिस्तानी बहनें भाई सब यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सब यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि पाकिस्तान की 14 अगस्त की सेलिब्रेशन की जाए। और यहाँ पर जो है गर्मी के साथ साथ जो है काफ़ी अच्छा मौसम भी था, और इसके अलावा जो है जिस तरह मतलब पाकिस्तान की सेलिब्रेशन एक होती है फ्लैग होस्टिंग वगैरह, तो वो तो हम नहीं कर सके, लेकिन यहाँ पर 3-4 प्रोग्राम्स थे, जैसे कि क्विज़ कंपटीशन और मिली नगमा कंपटीशन, और इसके अलावा कुछ स्पीचेस वगैरह थी। और क्विज़ भी जो है लोगों के अंदर रखा गया, जिसमें लोगों से पाकिस्तान हिस्ट्री के मुतालिक क्वेश्चन किए गए। और तमाम तर यहाँ पर जो लोग थे वो अपनी ही कंट्री से एक ही जबान बोलने वाले थे, और बहुत सारे सूबे जो है कश्मीर और बलूचिस्तान, सरहद, पंजाब, सिंध, सब के लोग यहाँ पर जो है मौजूद थे सब सूबों के। और यह हकीकत है कि जैसे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हम सिंधी नहीं, हम पंजाबी नहीं, हम पठान नहीं, हम बलोची नहीं, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। और यहाँ पर जो है पाकिस्तान का तराना भी पढ़ाया गया, और सब ने अकीदत और एहतराम से तराना पढ़ा, और काफ़ी अरसे बाद ये तराना पढ़ने का हमें मौका मिला। और इसके अलावा काफ़ी लोगों को जो है यहाँ पर एवार्ड से भी नवाजा गया। उसमें कैटेगरी ये थी कि जिनको 5 ज़बानें आती हैं उनके लिए, और इसके अलावा जिन्होंने रिसर्च पेपर लिखे थे उनके लिए, और जिनकी CGPA अच्छी थी उनके लिए अवार्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हुए। और मैनेजमेंट का भी जो है रोल काफ़ी अच्छा था। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये सारा सेलिब्रेट करने का मकसद यही है कि दयार गैर में अपने मुल्क की जो है मुल्क को याद रखना और उसके दिन को जो है मनाना एक बड़ी अकीदत और बड़ी सआदत की बात होती है। और यही हुबुल वतनी होने का जो है एक जज्बा है कि तमाम तर लोग जो थे अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले थे, और ये भाई पाकिस्तान का परचम लहरा के खड़े थे, और काफ़ी देर से जो है पाकिस्तान का परचम लहरा रहे थे। उसके बाद एक फ़ौजी ने आकर उनको कहा कि टर्की और पाकिस्तान का फ्लैग एक साथ लहराओ, तो ये भी एक मतलब ज़बरदस्त और पुरजोश मंजर थे जो हमें देखने को मिले। और रियली एक अजीब और एक अच्छा सा इत्तेफाक़ था कि तमाम तर लोग यहाँ पर मौजूद थे। और मुझे तो इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी सारी लड़कियाँ और इतने सारे लड़के मौजूद हैं, और वो भी इसी शहर के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल भी रखा गया, डिसिप्लिन का, टाइम का। और सबसे बड़ी बात जो थी कि वो ये थी कि जो भी बंदा यहाँ पर जब महसूस कर रहा था कि मिली नगमा चल रहा है या अपनी ज़बान के अंदर जो है जज्बा जुनून के गाने चल रहे हैं, तो सब बंदे पानी को देखकर बहुत बहुत एंजॉय कर रहे थे, और उनको अपने बचपन की यादें ताज़ा करने का मौका मिला। जैसे ही पाकिस्तान में 14 अगस्त आता है तो हर गली हर कूचे में एक रौनक होती है, तो जाहिर सी बात है जब दयारे गैर में बंदा मौजूद होता है तो इन चीज़ों से महरूम होता है, लेकिन यहाँ पर ये महरूमी भी दूर हो गई। और ये है उश्कुदार का मंजर, जहाँ पे हमारी शिप खड़ी थी और जहाँ से हमने अपना सफ़र जो है शुरू किया था, और ये अभी वहीं पर हमारा इख्तिताम हुआ। और ये है जी हमारी M5 ट्रेन, जो कि बहुत स्पेशल ट्रेन होती है, और इसके बाहर तक जो है कवर और कोचेस लगे होते हैं। ये देखें, पहले बाहर वाला गेट खुलेगा, उसके बाद ही अंदर वाला गेट खुलेगा। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा।